हाय, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन। माय नेम इज प्रवेश कुमार। मैं प्रेजेंट करूंगा इडियम ऑफ फ्रेजेस जो कि स्टार्ट होते हैं ऐप से। बट बिफोर वी ब्लेज द ट्रेल, यू हैव टू डू वन थिंग इज दैट यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। दिस सेशन इज गोइंग टू बी इन अ बाइलिंगुअल, इट्स मीन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो लेट गेट स्टार्ट। पहला है फ्लैश एंड ब्लड, इट्स मीन ह्यूमन नेचर। मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको चोरी करने की आदत है, तो हम बोलेंगे द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ दैट पर्सन इज टू टैग द थिंग। एक दूसरा पर्सन है जिसको दूसरे की मदद करने की आदत है, तो बोलेंगे कि द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ दैट पर्सन इज टू हेल्प अदर पीपल। अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो कुछ ऐसा होगा, अप्स एंड डाउन एंड हैप्पीनेस एंड सैडनेस इज द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। फिश ऑफ द वाटर, जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जो आपके लिए फेवरेबल ना हो, फेमिलियर नहीं होते, तो बोलते हैं फिश ऑफ द वाटर। फेसिंग द जॉब इंटरव्यू वाज फिश आउट ऑफ वाटर फॉर मी। फॉलो सूट, इट्स मीन जब आप किसी को मिमिक करते हैं या कॉपी करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं फॉलो सूट। जैसे इफ यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स, योर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट। आपके बच्चे भी उसी तरह व्यवहार करेंगे अगर आप अपने बड़ों का पालन। फॉल फ्लैट, इट्स मीन टू हैव नो इफेक्ट, या दूसरे शब्द में कहें कान पे जू ना पड़ना। जैसे ऑलवेज विथ हिज फादर्स एडवाइस हिम टू स्टडी सीरियसली एंड नॉट टू वेस्ट द टाइम, बट हिज स्पीच फॉल फ्लैट ऑन हिम। उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइट्स आई ऑफ का अर्थ होता है जब आप किसी चीज को या किसी पर्सन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं फाइट्स आई ऑफ। जैसे आई जनरली फाइट आई ऑफ confronting my elder sister as she is in habit of making speaking comments. Fabian policy, it's mean policy of delaying decision. जब कोई decision लेने में ये करते हैं तो उसके लिए use करते हैं Fabian policy. जैसे politicians generally follow a Fabian policy in order to keep everyone satisfied. जो राजनीतिक लोग होते हैं वो Fabian policy को फॉलो करते हैं ताकि लोगों को वो संतुष्ट कर सके। फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब वेरी रियर, बहुत कम। जैसे ऑल्दो माय फ्रेंड्स हाउस इज अ वेरी क्लोज बट ही विजिट्स फ्यू एंड फार बिटवीन एट माय हाउस, वो मेरे घर कभी कभी आता है, नॉट फ्रीक्वेंटली। फ्लॉग अ डेड हॉर्स इसका इट्स मीन टू वेस्ट एनर्जी ऑन अ लॉस्ट कॉज, मतलब जैसे ये घोड़ा मरा हुआ है, इसकी डेथ हो चुकी है, बट अगर आप इस पे डंडे से मारेंगे तो वो और नहीं मर जाएगा, तो उसके लिए यूज करते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू वेस्ट एनर्जी, इसमें कोई सक्सेस ना दिखाई देता हो। फूल से रेंट, इसका मतलब होता है एनी टास्क आर एक्टिविटी दैट हैज नो होप ऑफ सक्सेस, मतलब ऐसा कोई काम जिसमें सफलता की कोई उम्मीद ना हो, उसके लिए यूज करते हैं फूल से रेंट। जैसे हिज विजिट टू स्टेट्स टू अर्न मनी to be fool errand. Fall foul of to quarrel, मतलब लड़ाई करना किसी से, उसके लिए use करते हैं idiom fall foul of. जैसे अगर example देखें, they were once a good friend but now they fall foul of each other. अब वो एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, पहले एक अच्छे मित्र हुआ करते थे. Fly off the handle, मतलब अपना धैर्य खो देना या गुस्से में आ जाना, उसके लिए हम use करते हैं fly off the handle. When his father questioned him about money, he flew off the handle. मतलब जब उसके पिता ने पैसों के बारे में पूछा तो वो गुस्सा हो गया। French leave, to be absent without permission, जब आप कहीं से बिना परमिशन से चले जाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं French leave. जैसे example देखते हैं, those who have taken the French leave should not be pardoned. जिन्होंने बिना परमिशन के absent हो गए तो उनको माफ नहीं करना चाहिए। Fair and square, आप straight, या दूसरे शब्दों में बोले कि ईमानदारी के साथ। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे माय फादर एडवाइस मी टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन बिजनेस डीलिंग। फीदर वंस ऑन नेस्ट टू प्रोवाइड फर्स्ट ऑफ वन सेल्फ, मेकिंग मनी फॉर वन सेल्फ आर सेल्फिश वे। जैसे आर लीडर्स आर बिजी फेदरिंग देयर ऑन नेस्ट एंड हैव नो कंसर्न फॉर पुअर। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, रस इन ऑल डायरेक्शन, या दूसरों शब्द में बोले सर से एंगड़ी तक का जोर लगाना। यू मे रस फ्रॉम
pillar to post, but you stand no chance of getting what you want without a bribe. Foot the bill to bear the expense, मतलब खर्च कोई और करे, बिल कोई और भरे. जैसे मोहन इज अ ऑर्फन बॉय, दैट्स व्हाई माय पेरेंट्स फुट द बिल ऑफ हिज फूडिंग एंड क्लोथिंग. फेयर वेदर फ्रेंड फ्रेंड इन अ गुड टाइम, जब ऐसे दोस्त जो आपके सिर्फ अच्छे दिनों में ही रहते हो, बुरे वक्त में दूर चले जाते हो, तो उनके लिए यूज करते हैं फेयर वेदर फ्रेंड फ्रेंड इन अ गुड टाइम. फ्लैश इन द पैन, इसका अर्थ होता है सडन सक्सेस, जब अचानक से आपको कोई सक्सेस मिलता है उसके लिए यूज करते हैं फ्लैश इन द पैन. फिट टू अगेंडल टू, मैच फॉर या इक्वल इन इक्वालिटी, जब आप ऐसे दो चीजों को कंपेयर करते हैं और उनके बीच में जो कंपेरिजन होता है वो काफी हद तक सेम होता है, तो उसके लिए यूज करते हैं फिट टू अ कैंडल टू, मतलब उनके में काफी समानता है, उसके लिए यूज करेंगे फिट टू अ कैंडल टू. फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, फिट टू होल्ड अ कैंडल टू. फोर्थ ईस्ट एट, प्रेस के लिए यूज करते हैं, जैसे हमारे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है, ये हमारे तीन मेन पिलर है, ऐसे प्रेस होता है उसको बोलते हैं फोर्थ स्ट्रीट. फिगर्स इन वन कैप, मतलब एडिशनल सक्सेस, जब आप कोई काम कर रहे हो उसके अतिरिक्त भी आपको कोई दूसरा सक्सेस मिल जाए उसके लिए यूज करते हैं फिगर्स इन वन कैप. जैसे हिज सक्सेस इन हिज एमए एग्जाम हैज एडेड अ एंड नाउ दिस टाइम टू से बिल्ड अ ड्यू, इसका अर्थ होता है गुड बाय टिल बी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.